हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अपनी गाड़ी को थोड़े टाइम पहले ही रिस्टोर किया गया है, तो इसमें मोटा मोटा काफ़ी खर्चा हो चुका है। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि भाई हमने अपनी बाइक में कितना खर्चा किया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अपनी बाइक पहले भी ठीक ठाक ही दिखती थी थोड़ी बहुत, और इसको घर पर ही अपने हाथों से रिस्टोर किया गया है, तो इसमें मतलब कि फिर भी ना करते हुए भी कितना खर्चा आ चुका है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नोट 975 रुपीज़ हमें लगे हमारे यामाहा के मोनोग्राम के, फिर इसका थ्रोटल केबल, फिर इसके मतलब इंडिकेशन वाले मीटर जो कि यहाँ पे न्यूटन का दिखाते हैं, हाई बीम इंडिकेटर्स का, लाइट का जो नोटिफिकेशन देते हैं उसका मीटर, फिर हमारे ब्रेक लाइनर, उसके हमें लगे हैं 975 रुपीज़। फिर जो आता है 440 रुपीज़ हमें लगे हैं अपनी यामाहा का, मतलब कि जो इसमें कलर किया गया है, मतलब कि वो स्प्रे वाला कलर आता है उसके, और दूसरे दो मतलब इंडिकेटर ये वाले लिए उसके हमें लगे हैं 440 रुपीज़। और 720 रुपीज़ लगे हैं हमें अपनी सीट बनाने के, और इसका मतलब कि ये वाला जो लीवर का माउंट लगा है उसके हमें लगे हैं 720 रुपीज़, और दूसरा हमें लगा है 440 रुपीज़। जो कि 440 रुपीज़ है वो इसका है कि हमारा ये वाला सेफ्टी बार के मतलब कि अपना क्या बोलते सकते हैं, फ्रंट गार्ड बोल सकते हैं, अपने गार्ड को क्रोम करने के लगे हमें 450 रुपीज़। 150 रुपीज़ लगे हमें अपने क्लच प्लेट के, मतलब कि वो आता है ना उसमें रबर वाला, उसको टाइट करवाने के लगे हमें 150 रुपीज़। फिर 120 रुपीज़ लगे हमें हेडलाइट का ये वाला पिछला वाला हिस्सा जो लिया था वो पिछले वाले, मतलब कि वो टूट गया था तो वो भी हमें डालना पड़ा था। और 2500 रुपीज़ लगे हमें पूरी गाड़ी को कलर करने में, जिसमें इंक्लूड है हमारा टैंक, फिर ये साइड पैनल्स, मैग व्हील्स, अगले वाले आगे के सोकर्स मतलब कि जंप, फिर पिछले ये वाले सोकर्स इसमें भी मतलब कि ब्लैक कलर सारा किया गया, उसके हमें लगे 2500 रुपीज़। फिर लगे 250 रुपीज़ हमें बाइक के अपने कवर के, जो कि इधर मार्केट से लिया गया था ब्लैक कलर वाला, 250 रुपीज़ हमें उसके लगे। फिर आते हैं 1650 रुपीज़, जो कि अपने पिछला वाला जो टायर है वो नया डाला गया है, क्योंकि जो पिछले मतलब कि इससे पहले वाला टायर था वो ख़त्म हो चुका था, तो हमें 1650 रुपीज़ लगे हैं उसके। फिर आते हैं 580 रुपीज़, जो कि है इसका क्लच का हाउसिंग जो कि फिटिंग करते समय टूट गया था, और इसका इंजन ऑयल के लगे 580 रुपीज़। फिर 500 रुपीज़ लगे हैं ये सारे जो क्रोम पार्ट है उसको बफ करने के, हमें लगे 500, जो कि लेबर चार्ज ही बोल सकते हैं। और दूसरे जो 500 रुपये है वो हमें लगे हैं इसमें जितनी भी रेडियम लगी है उन वर्क का हुआ है 500 रुपीज़। उसमें ये टैंक का आ गया, मैकविल का आ गया, इंजन का यश यामा जो लिखा है उसके स्टिकर भी आ गए, साइड वाले पिछले वाले स्टिकर भी सारे इंक्लूड हो चुके हैं। सो सब मिला के मोटा मोटा ये मतलब कि जितना अभी मैंने बताया वो सब मिला के मोटा मोटा खर्चा हुआ था 8835 रुपीज़, जो कि हमारे बजट के अंदर ही था। मैंने सोचा था कि भाई अपनी बाइक में 10 से 12 हज़ार रुपये तो ऐसे ही घुस जाने हैं, सो काफ़ी मतलब कि अपने बजट में निपट गया, और बाइक भी काफ़ी अच्छे लुक में आ गई है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमने बाइक घर पर रिस्टोर की है, तो इसका मतलब कि ये जो अलग अलग करने का लेबर चार्ज है, अगर कोई हम गैरेज में रखते हैं, मैकेनिकल शॉप में रखेंगे, तो उसके करीब करीब 1000-2000 जितना तो लग ही जाएगा, सो वो चार्ज हमें अलग से देना पड़ेगा। मतलब कि आपको आइडिया आ सकता है कि 8835 रुपये है, तो मतलब प्लस करेंगे 2000 तो 10835 रुपये होते हैं, मतलब कि 10000 के करीब करीब हमारा पूरे गाड़ी रिस्टोर हो जाएगा। सो आज का ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।